बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मीम कदर ससलान चौधरी एंड यू आर वाचिंग मैक क्रिएशन। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज रात है, हम निकले हैं फैमिली के साथ, सोचा थोड़ा बाहर डिनर करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, अनमता को थोड़ा फ़न करवा लेते हैं। तो हमने प्लान किया, हमने रिक्शा मंगवाया और सब हम पहुँचे चिकन हट। और अरसलान साहब सीधा काम से ही यहाँ पर आ चुके थे और ये रही इनकी बाइक, यहाँ पर ही खड़ी है। तो वो हमसे पहले आ चुके थे तो हमने यहाँ से उतरे और चिकन हट में हमने अपनी तशरीफ़ आवरी की। ये चिकन हट में दाखिल होते साथ सबसे पहले तो मत्थे लगती है ये वेट मशीन, जो कि नमता को बहुत इसका क्रेज़ है। सबसे पहले तो नमता अपना वेट चेक करती है और माशाल्लाह से मेरे बेबी का वेट था 17 point something, यानी कि राउंड अबाउट 18 kg। माशाल्लाह बहुत अल्लाह बिल्ला। उसके बाद पप्पू को भी शौक चढ़ा, पप्पू ने कहा वाई नॉट मी। तो मैंने कहा हाँ जी 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 बिस्मिल्लाह ट्राई करते हैं जी। तो माशाल्लाह से पप्पू ने काफ़ी वेट लूज़ किया हुआ था और गुड टू सी के पप्पू का वेट था 64 kg, नॉट बैड, रियली गुड। तो फिर उसके बाद दूसरा दादू ने किया, पर वो हम मेंशन नहीं करेंगे, उन्होंने कहा था ना ना मेरा वेट ना बताना। अच्छा, उसके बाद फिर हमने टेबल चूज़ किया, कौन से टेबल पे बैठना चाहिए, टेबल चूज़ किया। पहले हमने ये वाला, फिर उसके बाद हमने कहा नहीं ये वाला नहीं, हम अपने फैमिली टेबल पर बैठते हैं जहाँ पर है वो कॉर्नर वाला, वहाँ पर हम सूटेबल रहते हैं। वहाँ पर हम फिर मूव किए और वहाँ पर हम सब फिर विराजमान हो गए। और फिर अनंता यहाँ से भागी 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 अपने बाबा के पास चली गई, उनके बाबा को मैच देखने का क्रेज़ हो रहा था। आखिरी एक दो ओवर चल रहे थे मैच के, PSL यू नो स्टार्ट है, तो वो यहाँ बैठ के मैच देख रहे थे और अनंता भी भागी भागी उनके पास चली गई। फिर मैंने उसको उसके बाबा तक छोड़ा, फिर मैं वापस गई और टेबल पर जाकर बैठ गई। फिर हमने वेटर से कहा ज़रा टेबल तो साफ़ कर दो भाई, इतना गंदा हुआ है, और हमें मेन्यू दे दो। फिर उसने मेन्यू दिया, फिर हमने डिसाइड किया कि हमने क्या खाना है। ऊपर बोल है, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। यहां से नहीं जाएंगे, ऊपर से ऊपर जाके फेंकते। चलो अनंता अपने बाबा के साथ ऊपर इंजॉय कर ही रही थी कि फिर मैंने उसको आवाज़ लगे कि आज बेटा फ्राइज़ आ गई हैं आपकी, क्योंकि अनंता ने सिर्फ फ्राइज़ खानी होती हैं, खाने की होती हैं सोनी होती हैं। पिक्चर नहीं बना रही मेरी जान, आप खाओ फ्राइज। माशाल्लाह हॉट है, नहीं कूल है। ओके मैं भी लूं। फाइनली द वेट इज़ ओवर और हमारा खाना आ चुका था। हमने मीडियम साइज़ के दो पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, एक स्पेशल चिकन हट का और एक कबाब स्पेशल, वो भी इनका स्पेशल पिज़्ज़ाज़ में है। तो और सर्विंग का काम एज ऑलवेज आमना ने करना होता है, मेरी नंद ने, तो सर्विंग जो है वो उसने की।
ये देखें जी, सर्विंग हो रही है और अगर किसी के मुंह में पानी आ रहा है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उस पानी को मुंह में लाएं ढेर सारा और फिर पी जाएं। इसके साथ ही ये हॉट ओवन बेक्ड विंग्स जो से हैं माई ऑल टाइम फेवरेट, ये ऑर्डर किए थे हमने। सो यम्मी, टोटली रिकमेंडेड। और कोक का जो कॉम्बिनेशन है, ठंडी नहीं थी इतनी पर चलो है। और ये रहे हम पिज्जा खाते हुए और जी मेरा काका मस्तियाँ करते हुए, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जी लाइट क्यों गई है? नहीं खाता इसलिए। ओ भाई माशाल्लाह, दो पिज़्ज़ास मंगाने के बाद खा कर डकार मारने के बाद हमें लगा कि अभी भी कहीं हमारा पेट के अंदर कोई कोना हारी है, तो हमने एक और मीडियम पिज़्ज़ा मंगाया और ये फ्लेवर था मलाई बोटी। ये भी इनके स्पेशल पिज़्ज़ास में से है, तो फिर उसको सर्व किया और ये बहुत ही बेकार था। तक इनका मलाई बोटी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता है। पहले ने जब ऑर्डर किया इन्होंने कहा कि हमारे पास वो ख़त्म हुआ हुआ है, फिर उसके बाद कबाब वाला हमने अगेन ऑर्डर करना था और उन्होंने कहा अब हमारे पास कबाब वाला मटेरियल ख़त्म हो चुका है, मलाई बोटी वाला रेडी है। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है मलाई बोटी वाला ले आओ, पर जब वो मलाई बोटी वाला लेके आया तो बोटी तो कहीं कहीं नज़र आ रही थी। माना भाई चिकन महंगा हुआ है तो, पर उस हिसाब से आपकी हर चीज़ के रेट भी आपने बढ़ाए हुए हैं, आप तो अपना मार्जिन निकाल ही रहे हो, तो हमें तो कुछ अच्छा सर्व करो भाई। बाकी डो की बात करें तो पिज़्ज़ा की डो इनकी बीच में आके ना बहुत हार्ड होने लगी थी, उसकी वजह से हमें लगता था कि चिकन हट का पिज़्ज़ा अब लगता है फ्लॉप होने वाला, पर नहीं, दे आर बैक। अब भी उनके पिज़्ज़ा की क्वालिटी, उसकी डो, वही उनकी पहचान है। पर इस वाले फ्लेवर ने हमें बहुत मायूस किया, इस पर कोई बोटी नहीं थी, कोई स्वाद नहीं था। जो हमने दो इतने वधिया पिज़्ज़ा खाए थे उनका भी स्वाद गया है। चलो सब शुक्र करके हमने ये भी खा ही लिया, हमने छोड़ा नहीं। हाँ जी ये सूरत हाल है, हम खाना खा चुके हैं। चलो जी अब हम कहाँ जाएंगे? बाइक पे जाएंगे जी, आने ले जाएंगे ना, तब जिया भी लाएंगे। अनंता की दादा यहाँ खड़ी अपना वेट चेक कर रही है। वो बाबा की, हाँ जी, ये हमारी भाई घर वाले जा रहे हैं वो, और अशलान साहब आ चुके हैं। मैं भी इधर आई हूँ आपके साथ ही जाऊंगी। ओके ओके, ये इनका आइसक्रीम सेक्शन है, स्लश एंड शेक्स। तो आज का हमारा डिनर भी तीन था, अब हम चलेंगे फन लैंड। अनंता के कुछ रिमेनिंग कॉइन्स थे वो ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, स्टे ट्यून्ड।
दे। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है, आजा बोल ही रहे। हेलो कैंगू, कैसे हैं आप? अल्लाह होकर हमने उस्मानिया पर जाकर आइसक्रीम खाने के बारे में सोचा था, फिर सोचा कि चलो क्यों ना अनंता के झूले वाला टाइम भी मतलब मैनेज हो जाए उसमें, तो फिर आइसक्रीम लेकर खा लूँ और अरसलान साहब आ गए उधर ही। और फिर यहाँ पे इन्होंने सीटिंग का एरिया रखा हुआ है, यहाँ फैमिली आके बैठ सकती है, मतलब खाने पीने के लिए नहीं बैठ सकती, वो तो हम डेट थे जो हम खाने पीने का सीन कंटिन्यू कर रहे थे। अनंता अपने झूले ले रही थी, प्ले एरिया में चली गई, फिर माशाल्लाह से वहाँ पे उसने काफ़ी फन किया। वो नमता ही गया जो मान ले हमारी बात। Thank you.
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।